वेलकम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे किचन में बन रहा है बीफ निहारी। तो हमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पर हमने लिया है शान का निहारी मसाला, जो कि हमें चाहिए एक पैकेट। ये इजीली हर शॉप पर मिल जाता है आसानी से। तो यहाँ पर अब हम चाहिए गर्म मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, लौंग 4 अदद, इसको हमने अभी कूटना है। प्याज चाहिए हमें बड़ी 1 अदद बारीक कटी हुई। तेल 1 पाव। फाइन आटा चाहिए हमें 1 कप भर के। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, अगर कोई अलग अलग पेस्ट निकाल रहा है तो 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। यहाँ पर हमने लिया है गोश्त 1.5 किलो, ये बीफ का गोश्त है और बोंग का गोश्त है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से सब समझ आ गए होंगे। अगर कोई फिर भी मिस आउट हो चुका है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी, आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो अब हमने क्या करा है कि हमने सबसे पहले पतीली के अंदर ऑयल डाला है, जो कि हमने लिया था 1 पाव ऑयल। तो अब हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, जो कि हमने काटी थी बारीक बारीक, और हमने ली थी 1 अदद बड़ी प्याज। तो अब हम सारी इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पे प्याज ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से सौते करेंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो अब हम इसको जब तक सौते करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने लिया था 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पर हम इसको अब सौते करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मिलती रहे मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप न्यू हैं और आपने मेरी बाकी की वीडियोस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस के लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और लहसुन को भी हमने सौते कर लिया। अब हमने इसके अंदर डाला है गोश्त, जो कि हमने लिया था बीफ का गोश्त 1.5 किलो और यह है बोंग का। तो क्योंकि बोंग का गोश्त की नहारी बहुत मज़े की बनती है, तो इसलिए इसके अंदर हमने बोंग का गोश्त लिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर फ्राई करना है, ये देखें हम। तो जब तक हम इसको फ्राई करके वापस आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शान का निहारी मसाला, जो कि हमें चाहिए था 1 पैकेट। वो अब हमने सारा इसके अंदर पूरा ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसको अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर सॉल्ट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी इसके अंदर सब कुछ होता है। और हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर, जो कि लिया था 1/2 टेबल स्पून, और हमें चाहिए लौंग 4 अदद कुटी हुई। तो हमारी भुनाई अच्छी तरीके से हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है 1 जग, ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। अभी तो सिर्फ हमने इसकी भुनाई करी है, अब गोश्त को गलाना है। तो अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे 1 जग, उसको 30-45 मिनट्स के लिए इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तब हम इसको छोड़ देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 30 मिनट्स बाद हमने इसको देखा है गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है और उसका सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। तब हम इस ऑयल को सबको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे ऑयल को बाहर निकाल लिया, इसको हम एंड में डालेंगे।
तो यहाँ पर हमने लिया था फाइन आटा, जो कि हमने एक जग पानी के अंदर इसको मिक्स कर लिया, और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं ताकि इसकी डायरेक्ट से लम्स ना बने, और चमचे चलाते रहना है ताकि ये नीचे जमे ना। तो अब हमने इसको चमचे चलाते रहना है और सारे लम्स अच्छी तरीके से निकाल देने, और इसको 2 घंटे के लिए कवर करके लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है। तो अब हम इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे ताकि 2 घंटे तक लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से पक जाए। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, इसको हमने लगाना है तड़का। तो अब हम यहाँ पर प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे। हमारी वहाँ पर नहारी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है, ये देखें आप, यहाँ पर हमने इसको 2 घंटे तक लो फ्लेम के ऊपर पकाया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ऑयल, जो कि हमने पहले निकाला था, अब हमने इसके अंदर वो ऐड कर दिया। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, जो कि हमने अभी गोल्डन ब्राउन करी है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी है निहारी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत आसान है, आप लोग बिल्कुल ज़रूर घर में बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर अब हम सर्व कर रहे हैं, और अब हम इसकी करेंगे गार्निशिंग, ये देखें, अब हम इसकी करेंगे गार्निशिंग। यहाँ पर हम थोड़ी कटी हुई अदरक डाल रहे हैं, हरा धनिया डाल रहे हैं कटा हुआ, आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी इसके ऊपर गार्निशिंग वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।